इस महफिल की शुरुआत हम कुछ शायरियों से करना चाहते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम अपना हुनर आपकी तालियों से परखना चाहते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम सौम्या है। ये बेसिकली पोएम ब्रेकअप के ऊपर है। मेरा हुआ नहीं, बट मैंने ट्राई किया है कि आप सब रिलेट कर पाओ इससे। तो शायरी कुछ इस कदर है। इस दर्द के सहारे जिंदगी कट जाए, तेरी मोहब्बत ने मुझे इतना कमज़ोर भी ना बनाया था। इस दर्द के सहारे जिंदगी कट जाए, तेरी मोहब्बत ने मुझे इतना कमज़ोर भी ना बनाया था। और तू मुड़कर वापस आ जाए, ऐसा दस्तूर खुदा चाहकर भी ना लिख पाया था। सो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कलम से। मेरी कलम से निकली ये आवाज़ तेरी रूह तक क्यों नहीं जाती है। मेरी कलम से निकली ये आवाज़ तेरी रूह तक क्यों नहीं जाती है। क्या मेरी मुस्कुराहट इतनी कमबख्त है कि तेरे दिल में घर तक नहीं कर पाती है। यूं तो अक्सर हम बैठे बैठे मुस्कुराया करते हैं, यूं तो अक्सर हम बैठे बैठे मुस्कुराया करते हैं। जो पल साथ में बिताए हैं उसके सहारे ये शामें बिताया करते हैं। सो जो अगली लाइन है उसकी सेकेंड लाइन बेसिकली एम्फेसिस कर रही है कि जैसे लोगों के खुद के रिलेशनशिप्स या घर में अच्छा नहीं चल रहा होता, बट वो दूसरों पे कमेंट करते हैं कि भाई तू मेरी बात सुन आज और ऐसे ऐसे कर। मेरी रेशम की वो चुन्नी और तेरा वो पठानी कुर्ता। मेरी रेशम की वो चुन्नी और तेरा वो पठानी कुर्ता, एक साथ क्या कहर मचाया करते थे। जब भी हम साथ निकलते थे, पर जब भी हम साथ निकलते थे तो लोग अपने टूटे मकानों से निकलकर हमारे घर पर क्यों नज़र लगाया करते थे। अब आज भी मुलाकातें कभी कभी राहों में हो जाती हैं, तो उसके ऊपर चलो मान लिया आज भी राहों में मिलके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। चलो मान लिया आज भी राहों में मिलके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राहें तो आज भी अलग हैं, पर फिर भी अक्सर हम इन राहों पर क्यों मिल जाते हैं। सो अब ये लास्ट लाइनें हैं। जिंदगी तो आज भी उतनी लंबी है, जिंदगी तो आज भी उतनी लंबी है, पर क्या तुझे खबर है कि सिर्फ तेरी यादों के सहारे इसे आज भी हक से मुस्कुरा के बिताते हैं।